हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू द सेकेंड क्लास। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू डू द केमिकल बैलेंस। ओके, तो देखो ये है हमारे पास कुछ इक्वेशंस जो अनबैलेंस्ड है, हमें करना है बैलेंसिंग। अब देखो बैलेंसिंग के लिए हम कौन से रूल को फॉलो करते थे, याद है आप लोगों को? अगर याद है तो जल्दी बताओ। चलो हम ही बता देते हैं। ऐसे है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली बताते क्या है? ये बताते हैं कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब केमिकल इक्वेशन होने के पहले जो रिएक्टेंट पे था, जितने भी एटम थे, आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट में भी उतनी ही एटम होनी चाहिए। आए ना समझ में? तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम करेंगे केमिकल बैलेंस। चलो एक चीज बहुत ध्यान से देख लो, कोई भी रिएक्शंस हमें देना बैलेंस करने के लिए, तो हमें पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो हम सिर्फ बैलेंसिंग के लिए नंबर कोएफिशिएंट पे डाल सकते हैं। कोएफिशिएंट कौन सा वाला है? देखो Na3PO4 KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हमें मिल रहे हैं NaOH एंड K3PO4। ये जो Na3PO4 है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? इनको हम ऑल्टर नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल ऐसे लिख सकते हैं, बट वी कैन नॉट ऑल्टर द केमिकल फॉर्मूला। तो इसीलिए ये जो ब्लैंक दिया हुआ है, ये सारे सामने सामने दिया हुआ है, सिर्फ यही जगह पे हम नंबर लिख सकते हैं बैलेंसिंग के कारण। अब देखो ये जो खाली जगह पे हम जो भी नंबर लिखेंगे ना, इन्हीं को बताया जाते हैं कोएफिशिएंट। अब Na3PO4 KOH रिएक्ट की, तो ये दोनों है रिएक्टेंट में, हमें प्रोडक्ट में मिला NaOH एंड K3PO4। पहले हम स्टार्ट करेंगे सोडियम से, ठीक है? तो देखो सोडियम से अगर स्टार्ट करें तो हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर देयर इन रिएक्टेंट? 3। ओके, तो जो प्रोडक्ट में है वो है 1, तो हम ऐसे क्या लिखे प्रोडक्ट पे कि वो जाके रिएक्टेंट के साथ इक्वल हो जाए? हमें लिखना है 3, तो चलो हम लिख देते हैं सोडियम के सामने 3। लिख दिया, सोडियम की नंबर बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट कौन है? पी। इधर एक बात है, हम लेंगे PO4 को एक साथ। क्यों लेंगे? देखो PO4 इधर भी एक साथ है। PO4 को क्लास 9 में हम पढ़े थे, क्या बोलते हैं इनको? फॉस्फेट बताए जाते हैं। PO4 को क्या बताए जाते हैं? फॉस्फेट। PO4 की वैलेंसी कितनी है पता है आप लोगों को? वो है 3-। अब देखो ये PO4 इधर एक ही है पूरे, क्यों एक है? देखो अगर हम ऐसे बताए Na3PO4 तो कितने PO4 है? एक ही तो है ना, एक ही हुआ, इधर भी एक ही है, इसीलिए हमने PO4 में कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे K पास। हाउ मेनी K इज देयर? ओनली 1। इधर कितने हैं? 3 है, तो बैलेंसिंग हम कैसे करें? चलो इधर लिख देते हैं 3। क्यों 3 लिखा? क्योंकि ये जो है इधर 3 है। अब देखो OH इधर 3 हुआ और इधर हम पहले ही लिख चुके हैं 3, तो अब हम क्या करेंगे, जो जो ब्लैंक्स खाली है ना उधर 1 लगा देंगे, हो गया हमारी बैलेंसिंग। चलो दूसरे वाले कोशिश करते हैं। अब देखो दूसरे वालों में क्या है? MgF2 Li2CO3, हमें प्रोडक्ट में मिला MgCO3 एंड LiF। MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं लिथियम कार्बोनेट के साथ, बदले में क्या मिल रहे हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लिथियम फ्लोराइड। देखो हाउ मेनी मैग्नीशियम्स आर देयर? ओनली 1। इधर भी एक ही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे,
उसके बाद आते हैं फ्लोरीन। नंबर ऑफ फ्लोरीन कितनी है रिएक्टेंट साइट पे? दो है। अब इधर तो एक है, तो बैलेंस कैसे करें? इजी चीज, दो लिख दो, हो गया ना। अब देखो Li2CO3 ये कितनी है? Li2CO3, अगर हम एक ही Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल ने ले ना, तो उस पे ही दो लिथियम एटम आ जाते हैं, तो दो लिथियम ऑलरेडी उधर है। अब इधर कितने लिथियम ऑलरेडी हमें मिल गया? दो, तो इसका मतलब लिथियम बैलेंस्ड है। CO3 जो है ये है कार्बोनेट, ये भी इधर एक है, देखो हो गया। तो बाकी जितने खाली पड़े हैं सब में एक 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 डाल दो, इक्वेशन हमारे बैलेंस्ड है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, P4 प्लस O2 हमें मिला P2O3। P4 O2 ये दोनों रिएक्टेंट की साइड पे है, एंड P2O3 जो है ये हमारे प्रोडक्ट की साइड पे है। अब देखो रिएक्टेंट की साइड पे P4 है, मतलब 4P इज देयर, और प्रोडक्ट की साइड पे ओनली 2 है पी एटम। तो ऐसे हम क्या लिखे, और लिखे ही कहाँ कि दो जगह के पी एटम इक्वल हो जाए। देखो अगर हम इधर 2 लिख दे ना, तो क्या बन गया? 2 × 2 = 4, तो हो गया, तो 4P इधर हो गया, इधर भी 4P है, तो P तो एडजस्टेड। अब देखो O2 इधर हमें 2 ही ऑक्सीजन का एटम है, बट ये जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 3 × 2 दैट इज 6। अब 2 इधर है, मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये 6 बन जाए? चलो हम 3 लिख देते हैं, बना ना 6। अब जो खाली जगह है उधर कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकते, उधर 1 है, तो बन गया बैलेंसिंग। नेक्स्ट जो है RbNO3, आरबी का नाम क्या है आप लोगों को पता है? अगर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट पे बताओ। RbNO3 एंड BeF2, RbNO3 एंड BeF2, ये RbNO3 जो है ये बेरियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं बेरिलियम नाइट्रेट एज वेल एज RbF। आरबी नंबर कितनी है इधर? एक ही है, इधर भी एक ही है, तो कुछ नहीं करेंगे हम एक साथ NO3 को देखेंगे, क्योंकि NO3 जो आते हैं ना वो है नाइट्रेट, NO3 है नाइट्रेट, और NO3 की वैलेंसी होते हैं -1। तो ये नाइट्रेट ये जो प्रोडक्ट साइड पे कितनी है? देखो दो है, एक BeNO3 ये जो है ना ये मॉलिक्यूल में ही 2 नाइट्रेट है, और इधर हमारे जो नाइट्रेट की मॉलिक्यूल थे उन पे 1 था, तो एडजस्ट करने के लिए हमने इधर 2 लगा दी, हो गया। अब देखो जैसे ही 2 लगाए आरबी भी बदल गए, तो चलो एक काम करते हैं आरबी को भी इधर एडजस्ट कर लेते हैं 2 के साथ साथ, हो गया। अब नेक्स्ट आरबी एडजस्टेड हो गए, और जो बीई है उनको अब एडजस्टेड करने के लिए हम जाएंगे। NO3 तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गए, बी पे देखो 1 है, इधर भी 1 है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार चेक कर लेंगे फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो इसका मतलब सारे बैलेंस्ड है, खाली जगह पे सिर्फ 1-1 डाल दो, हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे क्या है, देखो सेम टू सेम है, बहुत ही मिलती जुलती है। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है AgNO3 एंड कॉपर, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन की, हमें मिला कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ( 2 एंड Ag। बैलेंसिंग कैसे करें? स्टार्टिंग में हमेशा हमें स्टार्ट जिससे हो रहे हैं उसको ही दिखना है, Ag है ना, तो Ag को ही देखो, एक Ag इधर है, दूसरे Ag भी इधर है एक ही, तो Ag में हम हाथ नहीं लगाएंगे, आगे हम NO3 पे जाएंगे। हाउ मेनी NO3s आर देयर? 2, और इधर कितनी है? 1 है, तो कैसे एडजस्ट करें? चलो 2 लिख दो, सिंपल चीज, जस्ट BeNO3 ( 2 की तरह ही है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट कौन है? CU, इधर भी 1 है, उधर भी 1 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे,
बट एक चीज देखो बहुत ध्यान से, जैसे ही हमने 2 AG लगाए ना, तो AG के नंबर बदल गए। अब इधर तो बदलनी पड़ेगी, इधर तो 1 AG है, तो 2 लगा दो और ये दोनों में 1-1 डाल दो। इजी चीज। नेक्स्ट क्या है, CA4, BR2, CBR4 and F2। तो कैसे बैलेंस करें? स्टार्ट करेंगे C से। C इधर कितनी है? 1 है। इधर भी C 1 ही है। अब F कितनी है? 4 F है। इधर 2 F है। तो 2, 4 F रिएक्टेंट की साइड पे है, 2 F प्रोडक्ट की साइड पे है। तो कैसे हम बैलेंस करें? ऐसे इधर कम है ना, तो ऐसे क्या लिखे इधर कि वो 4 के बराबर हो जाए? सिंपल चीज, 2 लिखो, बराबर हो जाएंगे। हो गया बराबर। अब देखो नेक्स्ट हम कहाँ पे जाएंगे, BR2। हाउ मेनी बियर इज देयर? ओनली 2 ना। तो अब नेक्स्ट जो है ये प्रोडक्ट पे BR4 है, 4 है। कैसे एडजस्ट करें? BR4, BR2 सेम एडजस्टमेंट, 2-2 हो जाएंगे BR एडजस्ट। अब जो बचा है उस पे ना 1 लिख दो। देखो हो गया बैलेंसिंग। चलो सेवेंथ पे चलते हैं। सेवेंथ क्या है, HCN + CuSO4, H2SO4 and CuCN whole 2। HCN जो है, ये CN जो है, CN का नाम पता है आप लोगों को, CN is cyanide, ठीक है। अब ये HCN CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। देखो HCN CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं H2SO4 and CuCN whole 2। तो हाइड्रोजन को हम देख ही सकते हैं, तो कैसे देखें? हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 है। तो एडजस्ट कैसे करें? 2 ही तो लिखना है, अब तो समझ ही चुके हो सब लोग, तो 2 लिख दो। अब CN भी एडजस्टेड हो गए इसके साथ साथ, CN इधर 2 था, इधर भी 2 आ गए, हो गया ना। नेक्स्ट हम किसको देखेंगे? CU को। CU इधर भी 1, इधर भी 1, कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज ऐसे रख देंगे। देखो SO4 का क्या ख्याल है, SO4 इधर भी 1 ही है और इधर भी 1 है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, बाकी सारे ठीक ठाक है। तो जो खाली जगह हुआ उधर सारे 1-1 लिख देंगे, बाकी सब ठीक है। तो ये जो 8th है, 8th पे क्या है, GA एक मेटल है, ठीक है। GA जो मेटल है इनका नाम है गैलियम। गैलियम की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे क्या प्रॉपर्टी गैलियम के पास है जिनके कारण गैलियम को हमें अलग से याद रखना चाहिए? देखो GAF3 और CS का नाम है सीजियम, ठीक है, CS का नाम है सीजियम। GAF3 CS मतलब सीजियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहे हैं? CSF, सीजियम फ्लोराइड एंड गैलियम अकेले, ठीक है। तो चलो बैलेंस करते हैं। पहले चीज तो गैलियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, अभी कुछ नहीं करेंगे। फ्लोरीन इधर 3 है, इधर 1 है, तो एडजस्ट करने के लिए हम इधर 3 लिख दे, हो गया। आगे क्या करें? CS को देख ले, CS इधर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इधर 3 है, तो 1 को कैसे बैलेंस करें? चलो इधर 3 लिख दो। देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब क्या करना है? खाली जगह जो है उसको भरना है 1 के साथ, हो गया ना। 9th and 10th, ठीक है, 9th and 10th। चलो जल्दी करते हैं 9th and 10th। 9th में क्या है? BAS, BA is barium, barium sulfide, S is sulfide। BAS react कर रहे हैं platinum chloride के साथ, PTF2। हमें मिल रहे हैं barium chloride and PTS। barium से ही start करेंगे, देखना barium 1 है, product side पे भी 1 ही है, तो barium पे हम हाथ नहीं लगाएंगे। सल्फर देखने चलो तो सल्फर भी प्रोडक्ट साइड पे 1 है, कुछ नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे उनकी जगह। डायरेक्टली
पीटी पे चलो, पीटी इधर एक है, इधर भी एक है, कोई दिक्कतें नहीं, बट फ्लोरीन देखो इधर भी दो है, इधर भी दो है, तो सारे जगह को खाली छोड़ दे, ऐसे तो खाली हम नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 1 1 1। टेंथ वाला बहुत ही इजी है। चलो टेंथ वाला अगर हम सोचे तो क्या होते हैं, इधर दो नाइट्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन है, तो दो को कैसे, एक को कैसे हम दो बनाएं, सिंपल चीज, इधर दो लिखो और हाइड्रोजन को इधर 3 लिख दो, देखो हो गया ना। 11, 12 एंड 13 अब देख लो, ये तीनों आप लोगों के होमवर्क है, तो जरूर करना। थैंक यू, आज तक इतना ही, बाय बाय।